नमस्कार, विद दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। लोकसभा में गांधीगिरी कांग्रेस सांसदों को गुलाब भेंट किए गए। लोकसभा में मंगलवार को दिलचस्प स्थिति देखने को मिली, जब अध्यक्ष के आसन के समीप आकर पंजाब में दलितों पर कथित अत्याचार के मुद्दे पर विरोध कर रहे कांग्रेस सदस्यों के समक्ष गांधीगिरी का परिचय देते हुए भाजपा सांसदों ने उन्हें गुलाब के फूल भेंट किए। प्रश्नकाल के दौरान सुमित्रा महाजन ने विपक्ष के कई सदस्यों के कार्य स्थगन के नोटिस को अस्वीकार कर दिया और इस मुद्दे को अन्य अवसर पर उठाने को कहा। इसके बाद कांग्रेस सदस्य प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष के आसन के समीप आ गए और पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग करने लगे। कांग्रेस सांसद पंजाब सरकार बर्खास्त करो, प्रधानमंत्री शर्म करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो के नारे लगा रहे थे। इस बीच भाजपा के कुछ सदस्य गुलाब के फूल लेकर आए और आसन के समीप हंगामा कर रहे कांग्रेस सदस्यों को फूल दिए। एक कांग्रेसी सदस्य को गुलाब का फूल लेते देखा गया, जबकि कुछ अन्य सदस्यों ने फूल लेकर रिपोर्टर्स टेबल पर रख दिए। पुनर्वास के बिना नहीं होगी कोई तोड़फोड़, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा। पश्चिमी दिल्ली में रेलवे के तोड़फोड़ अभियान से नाराज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को रेल मंत्री सुरेश प्रभु से मुलाकात की और घोषणा की कि भविष्य में पुनर्वास के बिना किसी झुग्गी बस्ती में तोड़फोड़ नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यहां रेल भवन में प्रभु से मुलाकात की। बैठक करीब 30 मिनट चली। केजरीवाल ने कहा कि यदि रेलवे परियोजनाओं के लिए कोई जमीन चाहिए तो उन्हें हमें उसका ब्यौरा देना चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी पुणे से और राजकोट से खेलेंगे सुरेश रैना। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इंडियन प्रीमियर लीग 2020 टूर्नामेंट के अगले सत्र में पुणे के लिए, जबकि निलंबित चेन्नई सुपर किंग्स में लंबे समय तक उनके साथी रहे ऑलराउंडर रैना राजकोट की तरफ से खेलेंगे। ड्राफ्ट में पुणे ने धोनी के अलावा अजिंक्य रहाणे, रविचंद्रन अश्विन, ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ और दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस को अपनी टीम में शामिल किया, जबकि राजकोट ने रैना, रविंद्र जडेजा, न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रेंडन मैकुलम, जेम्स फाकनर और ड्वेन ब्रावो को अपनी टीम में शामिल किया। संजीव गोयन का न्यू राइजिंग पुणे तथा मोबाइल निर्माता इंटेक्स राजकोट फ्रेंचाइजियों के मालिक हैं, जो वर्ष 2016 और 2017 आईपीएल सत्रों के लिए जुड़ी हैं। धोनी ने आईपीएल में चेन्नई के लिए 129 मैच खेले हैं और इनमें 39.30 के औसत से 2987 रन बनाए हैं। धोनी ने चेन्नई के सभी 8 सत्रों में कप्तानी की है और उसे वर्ष 2010 और 2011 में लगातार चैंपियन भी बनाया। मध्य प्रदेश में बारातियों से भरी बस नाले में गिरी 15 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के सुहागपुर थाना क्षेत्र में पिपरिया मार्ग पर मंगलवार को बारात ले जा रही एक बस के पलट जाने से उसमें सवार 15 यात्रियों की मौत हो गई और 25 से अधिक घायल हो गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शशांक गर्ग ने बताया कि यहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक खतरनाक मोड़ पर बस पलटने से यह हादसा हुआ। दुर्घटना में 7 महिलाएं, 7 पुरुष और एक बच्चे की मौत हो गई। बस बारातियों को लेकर इंदौर से छिंदवाड़ा जा रही थी। यमन में हवाई हमले, 15 लोग मारे गए। यमन में बुधवार को लागू किए जाने वाले युद्ध विराम से पहले सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के देशों के विमानों के आधी रात के हमले में 15 व्यक्ति मारे गए। यह हमला हाउती विद्रोहियों को लक्ष्य कर किया गया। यमन में युद्ध विराम स्विट्जरलैंड में शुरू हो रही शांति वार्ता का रास्ता साफ करने के लिए किया गया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।